लोकसभा चुनाव पर आज बीजेपी का मंथन है। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा राज्य प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे। राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ ही बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन होगा, तो बीजेपी की भी तैयारियां ताबड़तोड़ चल रही हैं। लोकसभा चुनाव पर आज बीजेपी का मंथन है। सुबह 11 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और चलिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे और यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए, जो राज्यों के चुनावी प्रभारी, हर राज्य के चुनावी प्रभारी वो मौजूद होंगे, वहीं राज्यों के चुनाव सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद होंगे, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए। नीरज, अगर हम चुनावी तैयारियों की बात करें तो उस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में क्या क्या तय होने जा रहा है बीजेपी में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे, सुनील बंसल मौजूद रहेंगे और सभी राज्यों के जो प्रभारी हैं, प्रभारी सारे महासचिव वो मौजूद रहेंगे। और इस बैठक का महत्व इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही एक पहली सूची जारी करने जा रही है। उस सूची जारी करने के बाद ही प्रभारियों का काम और तेज शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन सूची के बाद जितने सीटें बचेंगी उन सीटों पर कैंडिडेट्स का चयन करना, उनके पैनल को लेकर आना, सेंटर के सामने रखना और सही, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष गोलबंदी कर रहा है और आपस में पॉलिटिकल पार्टियां एक होने की का प्रयास कर रही हैं और एनडीए घेरने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे में उनका महत्व, इस बैठक का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि हर सीट पर आपको जिताऊ कैंडिडेट खोजना है और जिताऊ कैंडिडेट खोजने के क्या क्राइटेरिया होगा आज इस बैठक में वो तय होगा। इस बैठक में आज ये तय होगा कि कहाँ से क्या, किस कैंडिडेट को, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को, कि कौन किस नेता को ज्वाइन कराना है, इन पर भी विचार होगा। तो आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इस बैठक का सीधा संबंध आने वाले लोकसभा चुनाव से है, जिसके लिए महज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन 100 दिनों की जो मेहनत है, बिल्कुल 100 दिनों की मेहनत महत्वपूर्ण है। प्रत्याशियों का चयन भी एक बड़ी चुनौती। हमारे साथ आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर है यूपी को लेकर भी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। अमित शाह के आवास पर मीटिंग होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल रहेंगे और उनके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव पर, एमएलसी चुनाव पर यह मंथन होने जा रहा है। नीरज जी, उत्तर प्रदेश भी एक बड़ी चुनौती है, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, यहां को लेकर अलग से रणनीति पर काम हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा स्टेक है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि 13 विधान परिषद की सीटें खाली होने वाली हैं। उन 13 विधान परिषद की सीटों में भारतीय जनता पार्टी किनको उतारेगी, क्या क्राइटेरिया होगा, जातिगत समीकरण क्या होगा, इन सब को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह के आवास पर शाम को 5 बजे के आसपास हो सकती है, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, बैजंत पांड्या जो राज्य के प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक का महत्व इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैठक के जरिए न सिर्फ 80 लोकसभा सीटों पर मंथन होगा, क्योंकि भाजपा को बहुत उम्मीद है कि 80 लोकसभा सीटें में ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। और इसके अलावा 13 जो विधान परिषद की सीटें खाली हो रही हैं, उनमें जो खाली होने वाली सीटें हैं उनमें सारी महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि उसमें आशीष पटेल भी उसी सीट से हैं, महेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं वही एमएलसी, उनकी सीटें खाली हो रही हैं। तो बड़े सीनियर लीडर्स की सीटें खाली हो रही हैं, तो उनको रिपीट करना है या किसी नए चेहरे को लाना है, बिल्कुल। और चुनाव के पहले क्या संदेश उनके जरिए देना है ये भी पार्टी के सामने चुनौती है। बहुत धन्यवाद आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।